हेलो दोस्तों, तो आज के टेस्ट में इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, प्रोसेसिंग बॉक्स, और आपको इनपुट देंगे, और यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे आउटपुट देंगे। ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है, और आपको ये दे देंगे, और इसका आंसर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि इनपुट ये सर्कल दिया है, तो सर्कल पर कौन सा नंबर आ रहा है, 1। अब आउटपुट आपको फाइंड करना है, और जो आपका नंबर आ जाएगा, जैसे कि 2 आ जाएगा या 3 आएगा, जो भी होगा, जैसे कि 6 आ गया आउटपुट, तो 6 पे देखना है कौन सा नंबर आ रहा है, 6 पे कौन सा आ रहा है फिगर, ये तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब अपन देखो इसको कैसे फाइंड करना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोसेसिंग बॉक्स है, यहाँ पर जो खाली है उसको यूज़ नहीं करेंगे, जो भरे हुए हैं वही वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो नीचे, अब आपको ये प्रोसेसिंग बॉक्स करना है। अब यहाँ पर तो आ गया, कौन सा आ गया, 1 आ गया इनपुट। ठीक है, अब आपको ये दो देखना है, तो आप इसको कैंसिल करना। अब देखो +1 -1, तो ये तो हट गए दोनों। ठीक है, +3 -3, ये हट गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसमें अब ये सारे, ये दोनों माइनस में हैं, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस है, ये माइनस, ये और एक, ये यहाँ से तीनों हट गए। अब यहाँ पे +3 -3, तो कितना हो जाएगा, +2। अब 2 पे कौन सा आ रहा है, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 3 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही आपको हटाना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट में देखो, अब देखो -2 +1 -1, और नीचे +3 +3 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर का और एक नीचे का कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, -3 और +3, अब -1 ये बचा, तो यहाँ से ये चला गया। ठीक है, ये हो गया 0। अब ये तीनों बचे हैं, अब ये तीनों बचे हैं, तो -3 + 3 हो गया 0। तो मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा, तो ये 3 है, तो ये छोटा वाला सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है, अब नेक्स्ट में देखो ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल में कितना है, 3 है। ठीक है, इनपुट अब देखो एक्स में, अब देखो तो इसमें क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, अब देखो +3 ये दोनों आ रहे हैं, और यहाँ पे ये हो रहा है माइनस के, माइनस माइनस और +4, और यहाँ पे -4, और नीचे इनको करेंगे +4, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, +3 +3 और -2, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4 आएगा। तो 4 में कौन सा आ रहा है, ये छोटा ट्रायंगल 3, अरे सॉरी 3 इनपुट 3, और ये +4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। 7 में कौन सा आ रहा है, ये छोटा सर्कल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 इनपुट इसमें ऐड होगा ना। अपन ने तो इसको सॉल्व कर लिया, इसका 4 आ रहा है, फिर ये 3 है, तो 3 + 4 7, 7 पे कौन सा है, छोटा सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट में क्या है, अब इनपुट देखो क्या है, छोटा ट्रायंगल, तो ये 4। अब इसका प्रोसेसिंग सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 4 कर देंगे, माइनस प्लस जो भी है। अब देखो नीचे ये 4 आ रहे हैं, तो इसमें देखो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो अब क्या आ रहा है, -2, और ये 6 और -1, तो ये हो जाएगा -3 और +3, तो ये हो जाएगा 0, और ये x बचा, तो ये बचा +3, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। 7 कौन सा हो गया, 7 में छोटा ये सर्कल, आंसर हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है, अब इसमें देखिए, अब -2 और +3। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब पढ़ लिया, ये -4 हो जाएगा, और ये भी +4, तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बचा ये 4। ठीक है, ये 4 बचे, तो ये -2 -3 और +3, तो ये हो जाएगा 0। अब बचा क्या, ये x, तो -1। इनपुट क्या था, इनपुट था 5 5 -1, तो कितना आ जाएगा, 4। 4 पे कौन सा आ रहा है, ये वाला। ठीक है, 4 का है, 4 पे कौन सा है, ये वाला छोटा ट्रायंगल, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे आपको ऐसे जब भी आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, फास्ट होगा इससे। तो आपको जैसे ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा, साइड में ये टेबल भी दिखेगी, तो आप देखते जाना प्लस माइनस कहाँ आ रहा है, और उसको उड़ाते जाना। अब देखो ये प्लस माइनस आ रहा है, ऊपर का हटा दिया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये देखो माइनस से ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, हट जाए, अब बचेंगे ये दोनों, तो -3, तो होगा -5 -5, और छोटा ट्रायंगल किस पे आ रहा है, 6 पे, 6 में से 5 गए, तो क्या बचा, 1। ठीक है, 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे ये आ रहा है बड़ा सर्कल, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर करना है आपको, ऐसे सॉल्व करना है। 6 में से 5 गए, तो 1 बचा, 1 पे ये वाला आ रहा है सर्कल, ऐसे ही आपको करने हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट देखो ये रहा, इसमें क्या है, अब इसमें देखो, अब माइनस टू ये प्लस वन, अब इसमें देखो ये जीरो हो रहा है, ठीक है। अब आगे गए, आगे देखे तो ये पढ़ चुके हैं कि ये तो पूरा जीरो ही हो रहा था, ठीक है। अब बचा ये दोनों एक्स और ये माइनस, तो माइनस माइनस में तीनों तो कितना हो जाएगा माइनस के फाइव, और ये छोटा अंकल सेवन में, सात में से पाँच गए, दो दो पे कौन सा है ये छोटा ये वाला, तो आंसर को हो गया वन। दो सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लग रहा है, देखो अब देखो प्लस इसमें कौन सा है, ये पहले प्लस में है और माइनस टू में है, ठीक है। ये माइनस में, आगे बढ़ो, आगे देखो, पहले प्लस माइनस वाले उड़ाओ, ये प्लस में है ये माइनस में, हटा दिए, ठीक है। अब माइनस टू और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस थ्री, प्लस थ्री माइनस वन, और ये माइनस थ्री, ये और जोड़ गए, ठीक है, प्लस थ्री माइनस थ्री में थी। अब बचे ऊपर वाले, अब आपको ना दिखना भी यही चाहिए, जो जो एक्स है ना वही दिखना चाहिए, आलतू फालतू नहीं दिखना चाहिए। अब देखो माइनस टू और माइनस वन, माइनस थ्री, और ये भी हो गया जीरो, तो ये जो इनपुट है ना वही होगा आउटपुट में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यही वाला, आपको वही देखना चाहिए जो बॉक्स भरे हैं, खाली वाले को ध्यान ही नहीं देना। अब देखो एक्स है प्लस वन माइनस वन, ये हो गया जीरो, ठीक है। माइनस टू माइनस वन और माइनस टू, तो इसमें कुछ है नहीं है। अब ये माइनस टू सारे माइनस में, ठीक है, तो दो सारे माइनस में, तो दो दो चार पाँच, पाँच और तीन आठ, आठ हो गए, ये हो गया माइनस में। और ये ट्रायंगल कितना है नाइन, नौ में से आठ गए, क्या बचा एक, एक पे कौन सा रहा बड़ा सर्कल, आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ये आपको मिल जाएगा, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी पड़ी हुई है, देख लेना। तो ऐसी प्रोसेसिंग बॉक्स सॉल्व करना है, तो ये छोटे छोटे वीडियो हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है, फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टेशन मास्टर की अपन अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।